myself anjali singh i am assistant professor of pharmacology in the department of pharmacy rkgit ghaziabad in this lecture we are going to talk about introduction historical landmarks scope nature and source of drugs so in this video lecture i am giving you a brief introduction of pharmacology a general introduction of pharmacology what is pharmacology and what are different branches of pharmacology next we'll discuss about the detail of the drug what is drug what are the different sources from which we can obtain a drug and at the end i'll discuss about the history of pharmacology so let's start so at first we'll discuss about pharmacology what is pharmacology pharmacology is the science of drug सो इन नेम लैंग्वेज अगर आपसे कोई पूछता है कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हैं तो आप सिंपल एक वर्ड में बोल सकते हैं कि जब भी हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम फार्मेसी की उस ब्रांच को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं लॉजी वर्ड आपने पहले भी सुना होगा फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी बायोलॉजी लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी फार्मा फार्मा इंडस्ट्री हमारी ड्रग्स से रिलेटेड है दैट मीन्स कि जब आप ड्रग्स की स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी नेक्स्ट द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज़ फार्माकॉन एंड लोगोज द मीनिंग ऑफ फार्माकॉन इज ड्रग एंड द मीनिंग ऑफ लोगोज इन डिस्कोर्स इन और द स्टडी ऑफ सो इन सिंपल वर्ड द स्टडी ऑफ ड्रग इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी सो इन दिस ब्रांच विल डिस्कस अबाउट द वॉट आर द डिफरेंट रूट्स जिनसे आप ड्रग्स ले सकते हैं आप कोई भी फॉर एक्जाम्पल आप सिंपल मार्केट में जाते हैं और आप एक पैरासिटामोल लेते हैं उस पैरासिटोमोल को आप जब खाते हैं और वो आपको इफेक्ट शो करता है उस पूरी डिटेल स्टडी को हम इस ब्रांच के अंडर में पढ़ते हैं ठीक है यानी कि आपने पैरासिटोमोल लिया उसने आपका फीवर ठीक कर दिया एंड आपने पैरासिटोमोल लिया वो पैरासिटोमोल आपकी बॉडी में किस तरीके से प्रोसेस हुई कहाँ पे वो एब्जॉर्ब हुई किस तरीके से वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हुई ये सारा प्रोसेस हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंडर में सो इन अ ब्रॉड सेंस इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्जोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड कैमिकल मॉलिक्यूल विद लिविंग सिस्टम वॉट इज एक्जोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड मॉलिक्यूल द एग्जोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड मॉलिक्यूल यानि बाहर से लिया गया कोई भी मॉलिक्यूल और इस केस में ये मॉलिक्यूल है हमारी ड्रग ये ड्रग हमारे लिविंग सिस्टम पर क्या इफेक्ट शो करती है दिस इज फार्माकोलॉजी सो इट इनपैसेज ऑल अस्पेक्ट ऑफ नॉलेज अबाउट ड्रग

अनसेफ डोज है यानी कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं इफेक्टिव एंड सेफ यूज़ ऑफ ड्रग कि आपकी ड्रग का इफेक्टिव यूज़ क्या है किस डोज पे वो आपके लिए इफ़ेक्टिव है और किस डोज के इंक्रीज होने के बाद ड्रग आपके लिए जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है सो दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी नाउ विल डिस्कस कि ड्रग के बारे में हम यहाँ पर ड्रग को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फार्माकोलॉजी को हम कितने छोटे छोटे सेक्शंस में स्टडी करते हैं सो so, ये टॉपिक क्लियर हो गया कि फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे फर्स्ट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने एक टैबलेट लिया एक कैप्सूल लिया या फिर एक इंजेक्शन लिया वो चीज़ आपकी बॉडी में गई और उस चीज़ ने किस तरीके से आपकी बॉडी में काम किया फ़ॉर एग्जाम्पल आपने कोई पेन किलर ली उस पेन किलर ने आपकी बॉडी में जाके क्या चेंजेस किए दिस इज़ नोन एज द मकैनिज़म ऑफ एक्शन नेक्स्ट वन इज द थेरोपेटिक यूज थेरेपेटिक यूज का मतलब होता है कि अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं उसको आप किस किस थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं उसके थेरोपेटिक यूजेज यानी कि उसके इफेक्टिव एंड सेफ यूजेज कौन कौन से होते हैं आफ्टर दैट एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट मीन्स आप जब कोई ड्रग लेते हैं आपका इंटेंशन होता है आप चाहते हैं कि उससे आपको डिजायर्ड इफेक्ट मिले डिजायर इफेक्ट का मतलब अगर आपने फीवर ठीक करने की दवाई ली डिज़ायर्ड इफेक्ट है कि आपका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए आपने पेन किलर लिया डिज़ायर्ड इफेक्ट है कि आपका पेन ठीक हो जाना चाहिए एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं कि आपको कई बार ऐसा होता है कि आप कोई दवाई लेते हैं लेकिन आपको उस दवाई को खाने की वजह से रैशेज हो जाते हैं सीवियर आपको रैशेज होते हैं आपको एसिडिटी होने लगती है सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट दीज आर द एक्स्ट्रा इफेक्ट विच वी आर नॉट रिक्वायर्ड लास्ट इज़ फेट और एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी से किस तरीके से एक्सक्रीट आउट हो रही है आपने टैबलेट खाया कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो टैबलेट आपकी बॉडी में रहेगा और कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा लास्ट वन फार्माकोलॉजिकल एक्शन सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई दवाई खाई है वो आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट शो करती है वो आपके ब्रेन पे क्या इफेक्ट शो करती है वो आपके ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट शो करती है जब हम बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्रग का इफेक्ट डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आपने एक दवाई खाई जिसने आपके हार्ट रेट को कम कर दिया तो दिस इज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग हार्ट रेट को कम करने की वजह से आप इस ड्रग को यूज कर सकते हो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में this is the therapeutic use of the drug so this is the correlation between pharmacological action and mechanism uh, sorry therapeutic use of the drug so this is the correlation pharmacological action का मतलब होता है body system पे drug ने क्या effect show किया और उस इफेक्ट की वजह से आप किस थेरेपी में उसको यूज कर सकते हैं दिस इज नोन एज अ थेराप्यूटिक यूज ऑफ द ड्रग सो इन फार्माकोलॉजी वी लर्न अबाउट द ड्रग्स एडवर्स इफेक्ट फेट ऑफ द ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग Therapeutic uses of the drug and mechanism of action of any drug. So, term drug. So, at least we have to know about what is drug. So, in this case, drug is any single chemical substance which can produce a biological response is a drug.

आप उसको डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं तो आप उसे ड्रग बोल सकते हैं आप उसे प्रिवेंशन में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसे ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं वॉट इज़ डायग्नोसिस डायग्नोसिस का मतलब होता है जब आप किसी लैब में जाते हैं कोई टेस्ट करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे से डॉक्टर डायग्नोस करता है कि आपको पर्टिकुलर इस बॉडी सिस्टम में ये प्रॉब्लम है यहाँ पे भी हम ड्रग यूज़ करते हैं कई बार हम कुछ सस्पेंशन को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एक्सरे होता है वो क्लियर आता है सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ड्रग इन डायग्नोसिस प्रिवेंशन प्रिवेंशन द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन इज वैक्सीन अगर हम अभी यूज़ कर रहे हैं कोरोना की जो वैक्सीन है आप लोग जिन लोगों को कोरोना नहीं भी हुआ है वो लोग भी कोरोना की वैक्सीन्स लगा रहे हैं क्यों प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन के पर्पज से तो जितनी भी वैक्सीन है दीज आर ड्रग्स एंड द पर्पज ऑफ दीज ड्रग्स आर प्रिवेंशन इनका पर्पज़ है प्रिवेंट करना आपको उस डिजीज से ठीक है आफ्टर दैट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट का हम सबको पता है हम कभी भी कोई ड्रग लेते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि हम किसी एक डिजीज से सफर कर रहे हैं और उस डिजीज को हमारी ड्रग क्योर कर दे या फिर उसका ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करा दे तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर हमारे ये तीन फैक्टर्स को फुलफिल करता है सो दिस केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज ड्रग नाउ द डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यू एच ओ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग वी आर टॉकिंग अबाउट डिजीज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट तो डब्ल्यू एच ओ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ ड्रग इज़ एनी सबिस्टेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज और इज इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द द वर्ड बेनिफिट ऑफ द रेसिपियंट यानी कि ड्रग ऐसा कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि आपकी किसी भी पैथोलॉजिकल स्टेट को इम्प्रूव करने में यूज़ किया जा रहा है पैथोलॉजिकल स्टेट को इम्प्रूव करने में यूज़ करने का मतलब ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं और एक्सप्लोर फ़िजियोलॉजिकल सिस्टम हमारे किसी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर करने में हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर और पैथोलॉजिकल स्टेट से मतलब है मेरा पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब डिजीज़ अगर आपको कोई डिज़ीज़ है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से किसी एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से तो यानी कि आप उसको पैथोलॉजी के अंडर में पढ़ते हो किसी एक्सटर्नल uh, फैक्टर की वजह से आपको कोई डिजीज है आपकी बॉडी की पैथोलॉजी उससे अफेक्ट हो रही है सो दिस दिस इज नोन एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट फिजियोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है डिसऑर्डर ठीक है तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारा बॉडी का कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं और अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको कोई डिजीज हो गई है आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको हम डिजीज़ बोलते हैं तो so, हमारी जो ड्रग होती है वो इन दोनों में ही यूज़ की जाती है और उससे पेशेंट को बेनिफिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ फार्माकोलॉजी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू मेन ब्रांचेज जो फार्माकोलॉजी है इसको हमने दो मेन ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है फर्स्ट ब्रांचिज फार्मोको डाइनेमिक्स पहली ब्रांच है फार्माकोलॉजी की फार्मोको डायनेमिक्स इन फार्मोकोडाइनेमिक्स वी लर्न अबाउट वॉट द ड्रग डू दॉडी ओके एंड द वर्ड डायनेमिक्स मीन्स पावर सो फार्मोकोडाइनमिक का मतलब होता है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है जब भी आप कोई दवाई लेते हो दवाई आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट शो करती है और आपकी बॉडी उस दवाई को प्रोसेस करती है फॉर एन एग्जाम्पल आपका आपने आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए वहाँ पर आपका एक फ्रेंड बना आपका और आपके फ्रेंड के बीच में एक रिलेशन होगा दिस इज़ अ बाइफेजिक रिलेशन आपकी आपके फ्रेंड के साथ में कुछ अच्छी बॉन्डिंग है सेम बॉन्डिंग आपकी फ्रेंड की आपकी तरफ होगी तभी आपका रिलेशन अच्छे से वर्क करेगा सो so सेम यहाँ पे होता है फार्माकोलॉजी में यहाँ हम ड्रग की बात कर रहे हैं और ड्रग का इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम बॉडी के ऊपर तो यहाँ पे एक बायफेजिक रिलेशनशिप बनता है ड्रग का बॉडी के साथ और बॉडी का ड्रग के साथ में तो जब हम ड्रग का इफेक्ट बॉडी के ऊपर पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं फार्मोकोडायनेमिक्स मतलब वॉट द ड्रग डज टू द बॉडी यानी कि जब आपने कोई दवाई ली उस दवाई ने आपके ऊपर क्या इफेक्ट शो किया इसको हम बोलते हैं फार्मोकोडानेमिक्स सिस्टम सबसे मैक्रोमोलिकुलर लेवल सो बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई दवाई खाई है वो दवाई आपकी बॉडी में गई उस दवाई ने आपकी बॉडी में किस मैकेजम के थ्रू अपना इफेक्ट शो किया क्या आप, आप वो दवाई आपकी बॉडी में किसी रिसेप्टर के साथ में बाइंड हुई या वो किसी आयन चैनल के साथ में बाइंड हुई या वो दवाई जो थी आपकी फ़र्दर किसी एंजाइम को एक्टिवेट करती है किसी प्रोटीन को एक्टिवेट करती है तो यानी कि हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमने कोई दवाई ली उस दवाई ने हमें ठीक किया तो इस जो आपका ये फर्स्ट वाला कोरिलेशन है बिटवीन ड्रग एंड द बॉडी ये आता है आपका फार्मोकोडाइनमिक के अंदर में फॉर एग्जाम्पल एड्रेनालिन का हम एग्जाम्पल लेते हैं दिस इज अ ड्रग यहाँ पे ये एक ड्रग है फॉर एग्जाम्पल आपने एड्रेनालिन लिया तो इसकी फार्मोकोडाइनमिक स्टडी के लिए आपको बोला गया कि इसकी फार्मोकोडाइनमिक स्टडी करके बताइए इन फार्माकोलॉजी सो सबसे पहले जब हम एड्रेनालिन लेते हैं एड्रेनालिन इंटरैक्शन विद रिसेप्टर दैट इज जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टमेशन ऑफ सेल मेब्रेन बाउंड एडिनाइल साइक्लेस इट इंक्रीज इंट्रासेलुलर साइक्लिक एमपी पाथवे एंड कॉज इज कार्डिक स्ट्यूमुलेशन हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड हाइपरग्लाइसीमिया सो इन दिस केस फार्मकोडाइनमिक हम कैसे स्टडी करने वाले हैं दिस एड्रलिन मॉलिक्यूल जब हम लोग एड्रेनलीन मॉलिक्यूल यहाँ पे लेते हैं ये एड्रेनिन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर जाता है अब ये बॉडी में क्या इफेक्ट शो कर रहा है ये हमारा हार्ट रेट बढ़ा रहा है तो ये हमारा हार्ट रेट कैसे बढ़ाता है ये हमारी बॉडी में जाने के बाद एक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है जिसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने के बाद एडोनलिन जो है वो एडीनाइल साइक्लिस पाथवे को एक्टिवेट कर देता है और जब एडीनाइल साइक्लिस पाथवे एक्टिवेट होता है तो सेल के अंदर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और हमें पता है कि जहाँ पे भी कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है वहां पे होता है कॉन्ट्रैक्शन एक्शन सो so, हमारी हार्ट की मसल्स में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन एक्शन जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं स्ट्यूम्युलेशन ओके okay? सो so, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डियक स्ट्यूम्युलेशन इसी को सिंगल वर्ड में तो यानी यहाँ पे हम बोल रहे हैं फार्मोकोडाइनमिक्स ड्रग आपकी बॉडी में गई ये इसका मैकेनिज्म है द एडोनिन विल बाइंड टू जी पी सी आर दिस इज द मैकेनिज्म एंड इट विल फर्दर एक्टिवेट अ पाथवे दैट इज एडीनाइजाइक् पाथवे एंड कॉजिज इंट्रासेर इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड एंड फर्दर इट विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉज कार्डियक कार्डिय सो दिस इज फार्मोको डायनेमिक्स सो इन फार्मोको डायनेमिक्स हमने मैंने आपको अभी बताया कि हम पढ़ते हैं वॉट हैपन वेन अ मेडिसिन जब भी हम कोई दवाई खाते हैं तो क्या होता है सो so, दिस ड्रग विल गिव टू टाइप ऑफ इफेक्ट फर्स्ट वन इज डिज़ायरेबल इफेक्ट सेकेंड वन इज़ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट कोई भी आप दवाई खाते हो तो आपको वो दो तरीके के इफेक्ट देती है पहले होते हैं उसके डिजायरेबल इफेक्ट और इंटेंडेड इफेक्ट जो आपको चाहिए और दूसरे होते हैं उसके अनडिज़ायरेबल इफेक्ट जो हमें नहीं चाहिए सो वॉट आर डिज़ायरेबल इफेक्ट डायग्नोसिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ठीक है इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं किसी भी ड्रग के डिज़ायरेबल इफेक्ट क्या होते हैं कि या तो हम उससे किसी चीज़ का डायग्नोसिस करना चाहते हैं किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल हम वैक्सीन ले रहे हैं या फिर हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ठीक है अनडिज़ायरेबल इफेक्ट में आते हैं साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट हमें हमें हमेशा पता होते हैं फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ड्रग ले रहे हो तो डॉक्टर आपको ऑलरेडी बता देता है कि ये ड्रग लेने की वजह से आपको नींद आएगी या फिर ये ड्रग लेने की वजह से आपको हल्के फुल्के रैशेज हो सकते हैं दीज आर द साइड इफेक्ट जो कि हम ईजिली एक्सेप्टेबल होते हैं अगर कोई ड्रग आपको पेन किलर के फॉर्म में दी जा रही है और उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो रही है तो यानी कि आपको पता था कि जब इस ड्रग से पेन ठीक होगा तो आपको वॉमिटिंग भी होगी सो दिस इज नोन एज साइड इफेक्ट सेकेंड अनडिजायरेबल इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट किसी भी ड्रग के वो इफेक्ट होते हैं जो एक्सेप्टेड नहीं होते हैं दीज आर नोन एज एडवर्स इफेक्ट लास्ट इफेक्ट इज टॉक्सिक इफेक्ट इफ़ द ड्रग इज़ अगर आप उसकी डोज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या फिर आप थेरोपेटिक डोज के ऊपर की बात करते हैं तो उस केस में वो ड्रग हमें टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है इन दैट केस दिस इज नोन एज ऑर्गन फेलियर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गन फेलियर की सो दिस इज ऑल अबाउट फार्मोको डाइनमिक्स द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी वॉट द ड्रग डज टू द बॉडी ड्रग विल प्रोड्यूस डिज़ायर्ड इफेक्ट और इट विल प्रोड्यूस अनडिज़ायर्ड इफेक्ट in desired effect diagnosis prevention and treatment and undesired effect side effect adverse effect and toxic effect next branch of pharmacology is known as pharmacokinetics so kinetics means movement in pharmacokinetics we learn about what the body does to the drug abhi humne padha what the drug does to the body d for drug dynamics अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वॉट द बॉडी डज टू द ड्रग यानी कि बॉडी ड्रग को किस तरीके से प्रोसेस करती है अभी मैंने आपको बताया आपने ड्रग खाई आपका हार्ट रेट बढ़ गया ठीक है ये तो ड्रग के पॉइंट ऑफ़ व्यू से बात हो गई अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि आपने अगर एक दवाई खाई है आपने एक टैबलेट अपने मुंह में रखी है तो आपकी बॉडी उस टैबलेट को कैसे प्रोसेस करती है ये आता है हमारा फार्मोकोकाइनेटिक्स के अंडर में सो so, मूवमेंट फार्मोकोकाइनेटिक्स में आता है मूवमेंट ऑफ़ द ड्रग इन एंड अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाई द बॉडी इनक्लूड्स अब्जॉर्ब्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ द ड्रग तो फार्मकोकाइनेटिक में हम पढ़ते हैं एब्जॉर्ब ऑफ द ड्रग आपने एक टैबलेट लिया वो आपके स्टमक में गया डिसंटीग्रेट हुआ यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा डिजॉल्व हुआ उसके बाद वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया दिस फिनोमिना इज नोन एज एब्जॉर्बशन सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब वो ड्रग आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो गई तो आपके ब्लड ने उसको बॉडी के हर पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आफ्टर दैट वी हैव बायो ट्रांसफॉर्मेशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ड्रग इज एन एक्जोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड मॉलिक्यूल कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से आपकी बॉडी में आई है तो बॉडी का मोटिव होता है कि इस चीज़ को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करे तो जब भी हम ड्रग लेते हैं ड्रग्स हमारी लाइपोफिलिक फॉर्म में होती हैं यानी कि आपकी ड्रग जो होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं और उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें उन्हें हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट ये ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल की बात करते हैं तो यहाँ पे है पैरासिटामोल इज़ रैपिडली एंड कंप्लीटली एब्जॉब डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड टू द बॉडी तो इन चार फैक्टर्स को जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं फार्मोकोकाइनेटिक्स दीज आर द अदर ब्रांचेज विच आर कोरिलेटेड विद फार्मोकोलॉजी फर्स्ट वन इज द फार्मोकोथेरेपिटिक्स सो फार्मोकोथेरेपिटिक्स इज द अपलिकेशन ऑफ फार्मोकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टू गैदर विद नॉलेज ऑफ द डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन अगर आपको डिजीज़ का भी नॉलेज है और आप ट्रीटमेंट को भी साथ में पढ़ रहे हैं मतलब कि आपको मैंने अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा दी फिर अल्सर का ट्रीटमेंट भी पढ़ा दिया तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं फार्मोकोथेरेपिटिक्स यानी ड्रग और डिजीज़ दोनों की स्टडी साथ में सेकेंड ब्रांच इज़ फार्मा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी सो इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हम क्या करते हैं ड्रग की स्टडी करते हैं हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं जैसे आप लोग अभी कोरोना के केसेस में भी सुन रहे हैं कि ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है सो व्हाट इज़ क्लिनिकल ट्रायल कि ड्रग को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर टेस्ट करते हैं सो दिस ब्रांच इज़ नोन एज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी नेक्स्ट वन इज कीमोथेरेपी सो इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन और मेलेग्नेंसी विद स्पेसिफिक ड्रग दैट हैज सेलेक्टिवली टक्सिक्स फॉर द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम और मेलेग्नेंट सेल विद नो और मिनिमल इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दिस इज बेसिकली इसको लेमल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट की स्टडी हम लोग बेसिकली कीमोथेरेपी में करते हैं और फर्दर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अफेक्ट कर रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं तो वो भी हमारी कीमोथेरेपी के अंडर में ही आती है यानी ऐसी दवाइयाँ जो कि इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे और होस्ट सेल को इफेक्ट ना करे नेक्स्ट वन इज फार्मेसी तो फार्मेसी की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी इट इज द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग और प्रिपेयरिंग सूटेबल डोजेस फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू मैन और एनिमल्स यानी कि ड्रग के कलेक्शन से लेकर उसके आइडेंटिफिकेशन प्योरीफिकेशन सिंथेसिस स्टैंडर्डाइजेशन कंट्रोल उसका फॉर्मूलेशन ये सारी चीज़ें फार्मेसी के अंदर में आती है नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग किसी भी ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं दैट मीन्स कि अगर हम उसकी थेरोपेटिक डोज के ऊपर बात करते हैं कि इस ड्रग की जो है वो आपकी फाइव हंड्रेड इसकी थेरोपेटिक डोज है यहाँ तक कि आपको इफेक्टिव यूज़ देगी इफेक्टिव सॉरी फार्माकोलॉजिकली इफेक्ट देगी और अगर आप फाइव हंड्रेड एम जी के ऊपर ड्रग लेते हैं तभी आपको टॉक्सिक इफेक्ट देगी तो जब हम टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं तो दिस ब्रांच इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी नेक्स्ट वन इज द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी सो हिस्ट्री विल स्टार्ट विद्र हिपोक्रेट्स इन फोर सिक्सटी बी सी सो हिपोक्रेट को हम बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसन ओके सो हिपोक्रेट इज़ नोन एज अ फादर ऑफ मेडिसिन इनने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया था कि अगर आपके सिर में दर्द है तो वो एक बीमारी है इससे पहले किसी को सिर दर्द पेट दर्द या कोई डिजीज़ होती थी तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे हमें लगता था कि ये कोई कर्स है जो भगवान ने हमें श्राप दिया है या फिर कोई नेचुरल इवेंट है तो हिपोक्रेट ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करवाया कि अगर आपको हेडेक हो रहा है या फिर आपको पेन हो रहा है तो ये एक डिज़ीज़ है ये कोई कर्स नहीं है और आपको इसके ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है आफ्टर दैट एबर्स पेपायरस एबर्स पेपायरस ने 700 हंड्रेड ड्रग्स को इन्वेंट करके उसे सिविलाइज फॉर्म में यूज़ करना स्टार्ट करवाया आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे कुछ इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन बुक्स हैं जहाँ पे ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है फॉर एग्जाम्पल धनवंतरी जो आपके इंडिया में फोस्ट सर्जन के नाम से फेमस हैं जिनने सबसे पहली सर्जरी परफॉर्म की थी आफ्टर दैट वी हैव अ बुक दैट इज़ सस्त्रा सुस्त्रा हमारी हिंदू मेडिकल टेक्स्ट बुक है जिसके पास 760 हर्ब्स का डिस्क्रिप्शन है ये सब हमारी एंसेंट बुक हैं पुरानी किताबें जिनमें ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन है जब हम लोग मॉडर्न फार्माकोलॉजी की बात नहीं करते थे तब से ये जो आपकी बुक्स हैं ये ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड कर रही हैं आफ्टर दैट चरक संहिता यहाँ पर हमारे पास सिक्स ड्रग्स की स्टडी अवेलेबल है नेक्स्ट वन इज़ फ्रोंकोइस मेजेंडी फ्रोंकोइस मेजेंडी जो थे हमारे फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट uh, थे इनने बोला कि फैक्ट्स एंड फैक्ट्स अलोन आर द बेसिस ऑफ साइंस इन्हें बोला कि अगर आप कोई ड्रग की स्टडी कर रहे हैं अगर आप कोई बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं सो यू शुड टॉक अबाउट फैक्ट्स आप केवल फैक्ट्स की बात करिए दे इज नथिंग एल्स फैक्ट्स के अलावा कोई और बात नहीं होनी चाहिए और फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हम सिंपल बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उठा के उसे एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड पर लेके जाना सो so, इनने क्या करा बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स प्रोवाइड कराए हमें एनिमल के लिए एनिमल टेस्टिंग के लिए जहाँ पर फिर हमने जो हमारी हर्बल ड्रग्स थी उनकी टेस्टिंग एनिमल्स के ऊपर करना स्टार्ट किया ओस्ट एटीन थर्टी एट टू नाइनटीन ट्वेंटी वन ही इज़ नोन एज द फ़ादर ऑफ़ फार्माकॉलॉजी इनको हम फादर ऑफ़ फार्माकॉलोजी के नाम से जानते हैं एंड रुडोल बुचिम रूडॉल बुचिम ने हमें एक्सपेरिमेंटल फार्माकॉलॉजी इनने पहली लेबोरेटरी इस्टैब्लिश करी थी फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ फार्माकॉलॉजी फार्माकोलॉजी के एक्सपेरीमेंट के लिए जो पहली लेबॉरेटरी इस्टैब्लिश की थी वो करी थी रूडॉल बुचिम ने एंड ओस्टॉल स्टीमिडीवर्ग ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ़ फार्माकॉलॉजी ओके द लास्ट टॉपिक इज़ द सोर्स ऑफ ड्रग फ्रॉम वेयर वी गेट्स ड्रग्स और फ्रॉम वेयर वी ऑप्टेन द ड्रग्स अभी हमें पता है कि हम मार्केट में जाते हैं दवाइयाँ ख़रीद लेते हैं लेकिन इन फील्ड ऑफ फार्मेसी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आपको ड्रग मिल सकती है सो फर्स्ट सोर्स इज़ प्लांट सोर्स अ नंबर ऑफ प्लान्टव मेडिसिनल क्वालिटी एंड हैव बिन यूज फॉर सेंचुरीज एंड नेचुरल रेमिडीज़ हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम ट्रेडिशनली ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे पहले टाइम से से ही फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स में क्या किया जाता है कि इनका जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको आइसोलेट किया जाता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है और उससे फिर ड्रग फॉर्मुलेट की जाती है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से हम अलग अलग टाइप की ड्रग्स सिंथेसाइज करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट लीव सो हमें यहाँ पर मिलती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड दैट इज डिजिटेलिस रूट की बात करते हैं तो कर्क्यूमिन हम लोग प्लांट्स आइसोलेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्लावर तो हमारे पास विंका रोजिया है जिसको आप सदाबहार के नाम से जानते हो विंका रोजिया इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विंका रोजिया को हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ जिंजर जिंजर को हम कफ़ में यूज़ करते हैं तुलसी सो दीज आर द प्लांट सोर्सेज जहाँ से हमें ड्रग्स अवेलेबल होती हैं सिंकोना बाग की सिंकोना बाग की अगर बात करें तो सिंकोना बाग इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया नेक्स्ट सोर्स ऑफ द ड्रग इज़ एनिमल सो द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स इनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल थेरेपी के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली हम पेनक्रियाज़ निकालते हैं एनिमल का और उससे इंसुलिन आइसोलेट करते हैं जिसको हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें इंसुलिन की अवेलेबिलिटी कम होती है इसके बाद आप सबको याद होगा बचपन में कॉर्ड लिवर ऑयल यूज़ किया होता है हमने ठीक है सो कॉर्ड लिवर ऑयल भी हम लोग आइसोलेट करते हैं एनिमल से उसके बाद एनिमल्स के हम ब्लड से सीरम को आइसोलेट करते हैं जिससे हम आगे काफ़ी सारी स्टडीज़ में इसको यूज़ करते हैं सो दिस इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ ड्रग थर्ड वन इज द मिनरल सोर्स और मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आल नॉर्मल फिजियोलॉजी फॉर एग्जाम्पल आयरन हम सबको पता है कि आयरन की डेफिशिएंसी इफ़ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हम इसको बोलते हैं दिस पेशेंट दिस इज अ एनिमिक पेशेंट आफ्टर दैट मैग्नीशियम कैल्शियम कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर बोन डेंसिटी कैल्शियम का अमाउंट कम होने पर हमारी बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है सो दीज आर द डिफरेंट सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर नॉर्मल फिजियोलॉजी सो इन सारी चीज़ों से भी हमारी ड्रग्स आइसोलेट होती हैं दैट मीन्स कि अगर किसी तो को आयरन की डिफिशियंसी है तो हम उसे एक्सटर्नल रूट से आयरन प्रोवाइड करेंगे दैट मीन्स की मिनरल्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रग नेक्स्ट इज द सिंथेटिक सोर्स सो सिंथेटिक सोर्स का मतलब होता है कि हम लेबोरेटरी में यहाँ पे दो टाइप के सोर्स आते हैं सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक से मेरा मतलब है अगर हम कोई नेचुरल सोर्स लें और हम उसे केमिकल फॉर्मूला उसका मॉडिफाई करें उसका केमिकल स्ट्रक्चर मॉडिफाई करें उससे जो हमें ड्रग मिलती है उसको हम बोलते हैं ड्रग डराइव फ्रॉम सेमी सिंथेटिक सोर्स और एंड इन दिस दैट केस दैट इज दिस इज सिंथेटिक सोर्स सो इन यहाँ पे हम बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को साथ में मर्ज करके कुछ ड्रग डराइव करते हैं सो दिस इज नोन एज सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग फॉर एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स पैरासिटामोल एक्सेट्रा दीज आर द ड्रग्स विच आर डिराइव फ्रॉम द सिंथेटिक सोर्स लास्ट इज़ द हर्बल सो हर्बल आर नॉन वुडी प्लांट्स सम हैव मेडिशनल क्वालिटीज क्लासिफाइड एज अ डाइट्री सप्लीमेंट्स नॉट अ ड्रग सो दीज आर नोन एज डाइट्री सप्लीमेंट दैट दैट मीन्स कि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स फॉर प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हर्बल्स का कोई हम टेस्ट नहीं करते हैं उसका लैक होता है उसकी कमी होती है फॉर एग्जाम्पल चोनप्रास और अर्शकल्प दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बल सोर्स ऑफ द ड्रग्स दीज आर द दिफ्रेंसेस Thank you.